पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है राखी का त्यौहार। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी महिलाएं। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने रक्षाबंधन पर बधाई दी है। कहा, सभी देशवासियों और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, एक बहन के लिए भाई से प्यार कुछ नहीं होता है और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सालचा ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, समस्त देशवासियों को भाई बहन के अटूट रिश्ते और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनीपत में हरियाणा रोडवेज बस डिपो ने सभी कर्मचारी, ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। त्यौहार के दिन बसों में खासी भीड़ देखी जा रही है। जुलाना के खेड़ा गांव में विधायक बलराज कुंडू अपनी धर्म बहन से राखी बंधवाने पहुंचे। महिला के पति की 2 साल पहले खेत में काम करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई थी। 21 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार को निधन हो गया। 89 साल की कल्याण सिंह पिछले 1.5 महीने से लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में भर्ती थे। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं काफी दुखी हूं कल्याण सिंह जी। राजनेता, अनुभवी प्रशासक और जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निधन पर शोक जताते हुए कहा कि श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपने बड़े भाई को और साथी को खो दिया है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल्याण सिंह के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया। कहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के निधन का दुख समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोक संतप्त परिवार संबल प्रदान करे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। गृह मंत्री अनिल विज का महबूबा मुफ्ती पर वार। कहा, हमने अपने देश में बैठे कोई निकालने की नहीं सोच सकता है। पाकिस्तान से तुम्हें इतनी मोहब्बत तो चली जाओ। अफगानिस्तान में फंसे 87 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। इन सभी 87 लोगों को एयर इंडिया के विमान से दिल्ली लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने देर रात ट्वीट कर बताया कि एयर इंडिया 1956 87 भारतीयों को लेकर के ताजिकिस्तान से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गया है। फरीदाबाद के QRG अस्पताल में नाबालिग से हैवानियत। अस्पताल के स्टाफ पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कैथल में HSRLM यानी कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1.5 करोड़ के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। DC प्रदीप दहिया ने 7 अधिकारी और कर्मचारियों की तुरंत सेवा खत्म कर FIR दर्ज कर दी है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर पैतृक गांव छारा पहुंचे खिलाड़ी दीपक पुनिया का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने दीपक पुनिया के स्वागत में गांव भर में एक यात्रा भी निकाली। ग्रामीणों का कहना है कि दीपक ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर गांव का नाम रोशन किया है।
महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर 29 अगस्त को ओबीसी समाज की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के ओबीसी समाज के लोग चौबीसी चबूतरे पर पहुंचेंगे।